आपकी सर। एक्चुअली राइट नाउ आई एम इन पुर्तगाल और आपका चैनल देख के मुझे ख्वाहिश पैदा हुई। इससे पहले मैं चाइना में टीचिंग कर रहा था इंग्लिश, और यहाँ पे आया हूँ तो मतलब जॉब्स कोई अप्रोप्रिएट नहीं मिल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 20 यूरो में मैंने तमाम अपने डॉक्यूमेंट लॉक किए यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिन बाद मुझे यहाँ पे रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई किचन हेल्पर की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अदील भाई, ये आपकी वीडियोस के कमाल है, और आप जिस तरह लगन से लोगों की हेल्प करते हैं, थैंक आपको सलूट करता हूँ मैं। ये सर डबल सलूट। क्या एडवाइस करें सर? कुछ भी नहीं, यहाँ पे आगे फाइनेंस के ऑफिस में जाएं, वही आपने जो बताया रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी 10-20 यूरो, बल्कि 10-20 यूरो ही लेते हैं, कोई भी पुर्तगीज आपके साथ चले जाते हैं, और आपका फाइनेंस एक दोहा बन जाए। अगले दिन सोशल सिक्योरिटी में जाएं, वहां पे भी मतलब चंद एक ऑफिस फौरी आपको ऑन द स्पॉट दे देते हैं तमाम चीजें, और उसके बाद जुमता जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट जुमता भी सिर्फ मेरे 18 यूरो लगे हैं, बाकी फोटो कापीज पे तो 20 यूरो में मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स वो मतलब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और अलॉट ऑफ प्रेस फॉर यू, आपने बहुत मतलब अमेजिंग काम किया। बिलीव करें, चाइना से मैं टीचिंग छोड़ के यहाँ पे आ रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी का टीचर हूँ, तो लेकिन बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा पुर्तगीज लोगों के साथ, रियली जैसा आपने बताया वैसा ही है यहाँ पे। अच्छा सर, क्वेश्चन मेरा ये था कि